कैबिनेट ने पिछले सप्ताह तय किया कि जो 1/1/2004 के बाद इम्प्लॉयज हैं उनको जो न्यू पेंशन स्कीम लागू होती है और उस न्यू पेंशन स्कीम में इम्प्लॉयज के हित में थोड़े से बदलाव किए गए हैं. सम चेंजेस हैव बीन मेड इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इम्प्लॉयज. पहला चेंज ये है कि उस स्कीम के तहत 10% कॉन्ट्रीब्यूशन इम्प्लॉयज करते थे और 10% गवर्नमेंट करती थी. ये कुल मिलाकर 20% का उनका एम्प्लॉय का कॉर्पस था जो कि उसकी पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन का बेसिस बनता था. एम्प्लॉय का शेयर जो होगा वो 10% ही रहेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होगा उसमें उसको 10% से 14% कर दिया गया है. तो देर इज अ 4% इंक्रीज इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो द कॉर्पस नाउ विल बी 24% ऑफ विच 14% will be contributed by the government. एक दूसरा महत्वपूर्ण चेंज जो हुआ है कि रिटायरमेंट पे एग्जिट के टाइम पे तो 60 वो निकालते थे और 40 उसकी एन्युटी में जाता था. आई स्टैंड करेक्टेड. उस 60 में से 40 टैक्स फ्री था. Yes. और 20 टैक्सेबल था. तो दूसरा बड़ा चेंज ये हुआ है कि इस 60 के 60 को टैक्स एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है.